क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट में एक स्टूडेंट 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व करता है एक सेगमेंट पे, जब वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 नैनोमीटर की यूज करता है, ठीक। अब वो लाइट को चेंज करके 400 नैनोमीटर कर देता है, तो अब वो सेम सेगमेंट पे कितनी फ्रिंजेस ऑब्जर्व करेगा ये हमें बताना है, ठीक ना। सेगमेंट उतना ही है, ठीक। अब देखो एक फ्रिंज की विड्थ कितनी होती है, बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी, ठीक। बीटा इक्वल टू डी लैम्डा बाय डी एक फ्रिंज की विड्थ है, तो उस सेगमेंट में कितनी फ्रिंजेस आई होगी, 8 फ्रिंजेस, तो 8 टाइम्स बीटा, ठीक। अब देखो लैम्डा दोनों अलग अलग है, मैंने मान लिया लैम्डा वन जो है 600 नैनोमीटर है और लैम्डा टू 400 नैनोमीटर है, ठीक। अब पहले सेगमेंट पे 8 फ्रिंज है, मतलब जब 600 नैनोमीटर की यूज हमने की तब 8 फ्रिंज है, तो 400 नैनोमीटर वाले निकाल लेते, उस पर मान लेते कि एन फ्रिंजेस होगी, ठीक। तो मतलब तो हमने क्या करा क्या करा क्या करा, 8 × d λ1/d, सेगमेंट का साइज तो सेम ही है ना, इक्वली कर दो, ये हो गया n × d λ2/d, ये कितना हो गया 8 × 600 × 10⁻⁹ इक्वल टू n × 400 × 10⁻⁹, 1, 2, 1, 2, 10⁻⁹, 10⁻⁹, 4 × 8 = 2, 6 × 2 = 12, n = 12, तो उसे उस सेम सेगमेंट पे 12 फ्रिंजेस मिलेंगे, क्लियर ना। उसे कितनी फ्रिंजेस मिलेगी, 12 फ्रिंजेस, क्लियर।